हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको सैटर्न माउंट यानी कि शनि पर्वत पे बनने वाले कुछ चिन्हों के बारे में, जो कुछ बैड मार्किंग्स हैं उनके बारे में और उनसे कैसे बचा जा सकता है यानी रेमेडीज के बारे में बात करूंगा। तो जो मैंने अभी ड्रॉ किया है यह होता है सैटर्न माउंट, और यह जो फिंगर है इसको हम सैटर्न फिंगर कहते हैं। और अगर किसी के हाथ में इस माउंट के ऊपर कुछ बैड मार्किंग्स हों तो वह व्यक्ति काफ़ी परेशान रह सकता है लाइफ में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, दूसरा क्या उसके उपाय हैं, शनि देव को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, किस तरह से बचा जा सकता है, जो बैड इफेक्ट्स हैं शनि देव के बैड मार्किंग से उनसे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले कुछ बैड मार्किंग्स मैं आपको बताना चाहूँगा कौन सी होती हैं। अगर किसी के सैटर्न माउंट पे स्टार का चिन्ह हो कुछ इस तरह से बनने वाला, किसी के इसी माउंट पे क्रॉस यानी एक्स बार जिसको कहते हैं, एक्स बार का चिन्ह हो, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर एक्स बार का चिन्ह बृहस्पति हो, बृहस्पति माउंट पे हो तो बहुत शुभ होता है यहाँ पे, जो भी वो ग्रीन कलर में जो मैंने बनाया है। लेकिन अगर यह किसी और माउंट पे हो तो अशुभ फल देता है। इसी तरह से शनि माउंट पर इसका बनना भी काफ़ी अशुभ माना जाता है। इसके अलावा अगर किसी के इस माउंट पे लाइन कोई आ रही हो, सैटर्न लाइन, और उसके ऊपर आइलैंड का चिन्ह बन जाए वह भी काफी अशुभ माना जाता है। आइलैंड के बाद अगर किसी के हाथ पे इसी माउंट के ऊपर ग्रिल बन रहा हो, ग्रिल का चिन्ह कम से कम 3 सीधी लाइनों से और 3 टेढ़ी लाइनों से बनता है, ऐसे अगर ऐसा कुछ चिन्ह बन रहा हो सैटर्न माउंट के ऊपर तो वह भी काफी अशुभ माना जाता है। इसी तरह से अगर किसी के हाथ पे इस माउंट के ऊपर तिल बन जाए, काले रंग का तिल, तो वह बहुत अशुभ फल देता है। कुछ ऐसे अशुभ फल जिनकी बात मैं यहाँ करने जा रहा हूँ, जो इन मार्किंग्स के कारण हो सकते हैं, या किसी की कुंडली में शनि की स्थिति सही नहीं है, वह किसी शत्रु ग्रह के साथ बैठा है, या कुछ गड़बड़ है कुंडली में, तो भी वही फल होते हैं जो पामिस्ट्री में भी शो हो जाते हैं। तो क्या लक्षण है अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसे चिन्ह बन रहे हैं, और लक्षण ऐसे होते हैं जिसका हमें पता चल जाता है कि शनि के कारण यह सब कुछ हो रहा है। जैसे सबसे पहला लक्षण है कि परिवार से दूर हो सकता है ऐसा व्यक्ति, और ऐसे व्यक्ति के एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, यानी कि दुर्घटनाएं होती रहती हैं लाइफ में, बार बार होती हैं और बिना वजह के होती हैं। नौकरी चली जाती है अचानक से, सब कुछ अच्छा भला चल रहा होता है, जब शनि के दुष्प्रभाव शुरू होते हैं तो नौकरी अचानक से जा सकती है। अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में एकदम से हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है। अचानक से ऐसा व्यक्ति जो बहुत पहले वेल टू डू था, अचानक से कर्जे में दबना शुरू हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति शनि के कारण प्रभावित हो रहा है। किसी गलत कार्य में, अनैतिक कार्य में लिप्त होना शुरू हो जाए, अच्छी सोसाइटी में था पहले से, अचानक से सोसाइटी गलत होनी शुरू हो जाए, तो शनि के कारण हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के को अगर किसी को पैतृक संपत्ति यानी अपने माता पिता जो संपत्ति मिलती है वो मिलने वाली थी, लेकिन अचानक से प्रॉपर्टी मिलते मिलते रह जाए, कोर्ट कचहरी में फंस जाए, और या किसी कारण से उसका हिस्से की प्रॉपर्टी किसी और के हिस्से में चली जाए, और उदासी हमेशा छाई रहती है। जिनके ऊपर शनि का प्रभाव होता है, नेगेटिव प्रभाव होता है, वह व्यक्ति उदास रहते हैं, उदासीनता रहती है उनके अंदर, और वह हमेशा यही सोचते हैं कि किसी तरह से घर को छोड़कर संन्यास ले लें, दूर चले जाएं, अगर कुछ ऐसी बैड मार्किंग्स किसी व्यक्ति के हाथ पे बनती हों। शक करने की बीमारी लग जाती है ऐसे व्यक्ति को, यानी हर किसी पर शक करना शुरू कर देता है ऐसा व्यक्ति, और बिना बात पे शक करने की बीमारी हो जाती है। तो यह तो चीजें थी जो नेगेटिव। अगर किसी का शनि अच्छा होता है, या उसके संयम को बताता है, उसके विजडम यानी बुद्धिमत्ता को बताता है, स्टेबिलिटी लाता है लाइफ में, अगर अच्छा शनि हो और स्टेबल व्यक्ति सारे काम अच्छे से कर सकता है, और यह अगर नेगेटिव हो तो एकांत प्रिय हो जाता है। अगर पॉजिटिव भी हो तो एकांत प्रिय होना इतना बुरा नहीं है। कई बार क्या होता है, हमें खुद को टाइम देना होता है, अकेले बैठना पसंद करते हैं। अगर शनि पॉजिटिव है तो ऐसा होगा, लेकिन अगर नेगेटिव हो जाए तो ऐसा व्यक्ति संन्यास लेने की इच्छा रखेगा, सब कुछ छोड़ छाड़ कर, घर छोड़कर जाने की तमन्ना आएंगी, सुसाइडल ख्यालात आ सकते हैं व्यक्ति के मन में। और अगर नेगेटिव प्रभाव है तो डिप्रेशन हो सकता है और उदासीनता हो सकती है, बता चुका हूँ आपको। अगर पॉजिटिव है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर सही गलत का फैसला करने की काफ़ी ज़्यादा बुद्धि होती है,
और प्लान करने की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है ऐसे बंदे के अंदर। तो चलिए ये तो थी कुछ चीज़ें नेगेटिव और पॉजिटिव इस ग्रह की। अब बात करते हैं इस ग्रह से जुड़े मंत्र की, इस ग्रह से जुड़ी और चीज़ों की, और क्या वस्तु हैं जिनको दान करके या कौन से ऐसे मंत्र हैं जिनका जाप करके हम अपने आप को बुरे प्रभावों से, शनि के बुरे प्रभावों से बचा सकते हैं। सबसे पहले शनि का जो रंग है वो है ब्लैक। आपने देखा होगा शनि मंदिर में भी काले रंग का ही ज़्यादा यूज़ होता है, और इसका अंक जो है 8 है। और शनि को जो ग्रहों में जो स्थिति दी गई है वह एक सर्वेंट की दी गई है, यानी शनि जो है उस जिसमें सूर्य, जिस सौर मंडल में सूर्य राजा है, और उस सौर मंडल में शनि जो है वह एक सर्वेंट की भूमिका निभाता है। और इसके साथ इनको जो कास्ट दी गई है वह शूद्र कास्ट है इनकी, और बहुत कुछ है ऐसा जो इनके साथ जुड़ा है, जैसे कि प्रोफेशन जुड़े हैं कुछ। सबसे पहले शनि एक जज की भूमिका निभाता है, तो जुडिशरी का जो प्रोफेशन है, जो वकीलों के लिए, जजों के लिए शुभ है, वह शनि के अंडर आता है। उसके अलावा जितने भी मजदूरी वाले कार्य हैं, मजदूरी वाले प्रोफेशन हैं, वह सारे शनि के प्रभाव में आते हैं। जैसे कि जो कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले मजदूर हैं, मिस्त्री हैं, और जो स्वीपर हैं, पियन हैं, जो हार्डवर्क से काम करते हैं, वो सारे इसी के प्रभाव के अंडर आते हैं। और जो स्थान है इनके लिए, शनि के लिए, वो हॉस्पिटल या जो मेडिकल स्टोर होते हैं हमारे, केमिस्ट स्टोर्स होते हैं, वह इनका स्थान है। और इसके अलावा जो पुरानी बिल्डिंगें हैं वह भी शनि का स्थान माना जाता है। और जो दूर दराज के इलाकों में छोटी छोटी झोंपड़ियाँ होती हैं या ऐसी पुरानी बिल्डिंग होती है, वह भी शनि के उसमें आते हैं। तो इसमें जो इनका देवता है शनि जी का, वह भगवान कृष्ण और हनुमान जी की पूजा करने से बहुत लाभ मिलता है। और शनि जी का जो शनि देव का जेम स्टोन है वह है नीलम। और अगर आप नीलम पहन पहन सकते हैं तो कुंडली दिखाकर ही पहने, बिना कुंडली दिखाए कभी भी नीलम का को ना पहने, क्योंकि अगर यह उल्टा पड़ जाए तो बहुत नुकसान भी कर सकता है। और जो रुद्राक्ष अगर आप पहन सकते हैं, रुद्राक्ष आपको सही मिल जाए, तो 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने से शनि के जो बुरे प्रभाव हैं उनसे बचा जा सकता है। इसके अलावा शनि का मंत्र और सॉरी शनि यंत्र आपको मिल जाएगा सुनार से किसी से। अगर शनि का प्रभाव है तो शनि यंत्र लोहे के ऊपर बनवाकर गले में टांग लें, लॉकेट के रूप में पहन लें, बहुत लाभदायक रहेगा। और शनि के साथ जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, ये तो आपने वैसे सुनी भी होंगी, काले तिल हैं, काली उड़द की दाल है, और उसके अलावा जो लोहा है वह शनि के उसमें आ जाता है, प्रभाव में आ जाता है, काले चने हैं, सरसों का तेल है, ये सारी चीज़ें, सारे आर्टिकल्स जो हैं शनि के अंडर आते हैं। और अब बात करते हैं शनि से जुड़े मंत्र की। शनि से जुड़ा एक मंत्र है जो काफ़ी इजी है, आप इसका अगर सॉरी इसका आप जाप करेंगे तो शनि के बुरे प्रभावों से बहुत हद तक आपको मुक्ति मिल सकती है। मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रूम सह शनिचराय नमः। एक बार दोबारा से सुन लीजिए, बड़ा आसान सा मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रूम सह शनिचराय नमः। तो बड़ा इजी मंत्र है, इसका आप जाप कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। और कुछ आपको और उपाय बताने जा रहा हूँ, जिनके उपाय जो उपाय करने के बाद आपको शनि देव की चाहे ढैया चल रही हो, चाहे साढ़े सती चल रही हो, या कोई भी मुश्किल समय आपके ऊपर चल रहा हो, उनसे आपको बचाव हो सकता है। सबसे पहला उपाय है, हर रोज स्नान करें, और स्नान करने से पहले स्नान वाले पानी में गंगा जल का एक ढक्कन डालने बहुत शुभ रहेगा। और जिनकी कुंडली में शनि प्रतिकूल रहता है उन्हें बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं, शारीरिक और मानसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी पीड़ाएं होती हैं, तो उनसे बचने के लिए एक शनिवार महाराज जी ने भगवान भगवान राम के जो पिताजी हैं दशरथ, उनके द्वारा लिखा गया एक इनका स्तोत्र है, अगर आप उसका जाप कर सकते हैं तो बहुत शुभ होता है। शनि देव जी ने भगवान राम जी के पिता दशरथ को वरदान दिया था कि जो भी उनके द्वारा लिखे गए स्तोत्र का पाठ करेगा उनकी दशा के दौरान, यानी शनि देव जी की दशा के दौरान उन्हें कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर किसी के ऊपर साढ़े सती चल रही है, ढैया चल रही है, तो भगवान राम जी के पिता दशरथ द्वारा लिखा गया जो स्तोत्र है वह आपको इंटरनेट से मिल जाएगा, मार्केट से मिल सकता है, शनि स्रोत्र भी कहते हैं इसको, दशरथ स्रोत्र भी कहते हैं, उसका पाठ करना शुरू कर दें,
बहुत जल्द ही आराम मिलेगा। और एक बहुत आसान सा और उपाय है, वो है शनिवार को पीपल के पेड़ की जड़ में आपने जल में यानी पानी में चीनी और काले तिल मिक्स करने हैं और जड़ में चढ़ा देने हैं, और उसके बाद पीपल के पेड़ की 3 परिक्रमाएं करनी है क्लॉकवाइज। और ऐसा आप हर शनिवार को करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको शनिदेव के बुरे प्रभावों से छुटकारा मिलेगा। और शनिवार के दिन अगर आप उड़द की दाल से बनी खिचड़ी खाएंगे तो बहुत लाभदायक रहेगा आपके लिए। हर रोज सुबह गंगा जल वाले मीले पानी से नहाने के बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव का पूजन करें। हर शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का जाप करें, या अगर हर रोज कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और शनिवार के दिन लोहे से बनी हुई वस्तु या फिर ब्लैक एंड व्हाइट कंबल जो आता है, काले और सफेद रंग की धारियों वाला या चेक वाला कंबल मिल सकता है, उसका दान करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। शनिवार के दिन काली सरसों की दाल, काले तिल, सरसों का तेल, इन सब चीजों का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। और इनको दान करने से आपके ऊपर शनि के जो बुरे प्रभाव हैं उनसे आप बच सकते हैं। और रात्रि के समय अगर कोई जागता है और बिना वजह से जागता रहता है, सोता नहीं है, तो शनि देव उससे अप्रसन्न हो जाते हैं और उनके उसके उनके जो प्रभाव होते हैं, नेगेटिव जो इफेक्ट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको भी रात को बिना वजह जागने की आदत है तो इस आदत को तुरंत त्याग दें और रात को सही समय पर रात का आदर करें और रात को सही समय पर सो जाएं। इससे शनि देव का क्रोध जो होता है शांत होता है। पानी अगर किसी के ऊपर शनि देव के कष्ट चल रहे हैं, साढ़े सती चल रही है, ढैया चल रही है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। और पीने वाला पानी जहाँ भरकर रखते हैं उसमें कुछ तुलसी के पत्ते डाल के रखने चाहिए और फिर उस पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, यह काफ़ी शुभ माना जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं। और एक और उपाय जो रेगुलरली आप देखते होंगे, शनिवार के दिन जो शनिदेव के नाम का जो मांगते हैं, दान मांगते हैं, उनके पास तेल होता है सरसों का डला हुआ, उस सरसों के तेल में अपना मुंह देकर उसमें लोहे का सिक्का डालोगे तो बहुत अच्छा फल देगा आपको। और साथ ही साथ उस उनके बर्तन में थोड़ा सरसों का तेल भी आप डाल दोगे तो आपके लिए काफ़ी शुभ फल देगा वो। तो यह कुछ उपाय थे शनि महाराज के जो नेगेटिव प्रभाव है उसको कम करने के। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बड़े आसान उपाय हैं, आप इनको बड़ी इजीली कर सकते हैं। इन रेमेडीज से आपको डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो यूजफुल लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोस लेकर मैं टाइम टू टाइम आता रहूं। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।